एंड आई वेलकम यू ऑल नाव मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलूँगा हंड्रेड परसेंट एग्जैक्टली हिंदी में नहीं थोड़ा कोशिश करूँगा कि जितना हिंदी से मैं बोल सकूँ हाँ uh, uh, अब हम जो uh, पोमोग्रेट में किड आते हैं तो किड्स को हम आने से पहले कैसे उसका व्यवस्थापन करें और कीड को कैसे हम पहचानें? और उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आ, हमारे बगीचे में जब डैमेज होता है तो और उसके लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमको लेना है जैसे कि पोमोग्रेड में या हर क्राफ में अलग अलग तरीके के कीड़ होते हैं मतलब दो तरीके या तीन तरीके के एक होते हैं बोरर टेस्ट मतलब जो छेद करके खाते हैं जैसा फल छेदक है या तन छेदक है या स्टेम बोरर बोलते हैं या फ्रूट बोरर और उसके बाद पिन होल बोरर और उसके बाद ये जो पोमोग्रेड का छिलका है मतलब पोमोग्रेड का जो स्टेम के ऊपर बार्क होता है उसके ऊपर खाने वाला बार्किटिंगर उसके बाद सकिंग पेस्ट मतलब जो रस छूस के खाते हैं जैसा रस मतलब जैसा कि नया जो पौधे का शूट आने लगता है उस वहां से भी रस छूसेंगे और कभी कुछ पेस्ट है वो फल से भी रस छूसेंगे जैसा कि फ्रूट सकिंग माथ है बग्स है या मिली बग्स है और नान से पेस्ट में दो आते हैं एक आता है जो रूट के ऊपर बनते होंगे जब तो समर सीजन होता है जब आ, मतलब हार्ट समर का कंडीशन होता है तो माइट का प्रॉब्लम आता है माइट पेस्ट आता है इस तरह से इसको दो तीन कैटेगरी में हम बांट बांटा जाता है ये पोमोग्रेट में पहले जैसे देखेंगे तो प्रॉब्लम आता है पोमोग्रेड फूड बोरर का इसको हम बोलते हैं पोमोग्रेड बटरफ्लाई बोलते हैं पोमोग्रेड फूड बोरर बोलते हैं इसका इंसिडेंस अगर आप देखें तो ये साल भर में इसका इंसिडेंस रहता है लेकिन इसका इंसिडेंस ज्यादा जा, कब रहता है सीवियर कब रहता है जब बारिश होता है बारिश होने के बाद एक दो महीने के बाद इसका इंसिडेंस ज्यादा सीवियर रहता है मतलब ये मृग बहार का जो क्रॉप है वो ज्यादा इंफेस्टेशन हो जाता है ये पोमोग्रेट के फ्रूट बोरर की वजह से इसका हम कैसे पहचाने और इसका कैसे हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ले लें पहले जब आ, इस ये जो चिट्टी है ये चिट्टी हमारे पोमोग्रेट में डायरेक्टली डैमेज नहीं करती है ये चिट्टी क्या करती है ये अपने अंडे दे देती है जब फ्लावर का कली आने लगता है या फ्लावर या जब छोटे छोटे फ्रूट फुट बनने लगते हैं तब ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैं आ, रख रहा हूँ छोटे छोटे सफेद कलर के अंडे दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे अंडे ग्रुप में दे देता है ये अंडे से तीन से चार दिन में लार्वा निकल आएगा मतलब उसका यंग जनरेशन आ जाएगा ये क्या करेगा फल के अंदर छेद करने लगेगा ये छेद करते करते कैसे एक बार छेद कर लिया तो ये पूरा उसके अंदर ही चला जाएगा करते करते पूरा उसके अंदर खाते पूरा उसका होल साइज भी बढ़ते जाएगा जैसे ही कीड़ा साइज बढ़ने लगेगा और ये अपना जीवन चक्र पूर्ति वो ये होमोग्र के फ्रूट के अंदर ही कंप्लीट करेगा और ये देखिए ये प्यूपा बन गए अंदर ही प्यूपा बनने के बाद और ये अडल्ट सिटी आएगा इसको कितना दिन लगता है ये इसको 37 से 45 दिन तक लगेगा एक जीवन चक्र कंप्लीट होने में 37 दिन जब समर होता है और 45 दिन जब विंटर या रेनी सीजन होता है तब इसका जीवन चक्र में थोड़ा -दस दिन का फर्क आएगा हमको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेना है तो कब से लेना है जब ये अंडे का हमको दिखाई देगा जब बारिश होने के बाद या फ्लावर बर्ड इनिशिएशन होता है तो तब हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए ऐसा अंडे कहीं दिखाई दे रहा है क्या तो अंडे दिखाई दे रहा है तो हमको तुरंत ले उसको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेना जरूरी है दूसरी बात है और ये दूसरा एक पेस्ट पहले आपने देखा होगा ये जो में दिखाई देता है या भिंडी में दूसरे क्रॉप में दिखाई देता था लेकिन रिसेंटली एक ला, लास्ट दो साल से ये थोड़ा हिलकोअर्पा आर्मी जेरा का भी यहाँग्रेड में कहीं कई इंसिडेंस इसका दिखाई दे रहा है सिर्फ हमारे देश में नहीं दूसरी जगह से भी हमको एक क्वेरीज आते हैं वहां पे भी पोमोग्रेड में हिलको अर्पा आर्मी का थोड़ा सा इंफेस्टेशन दिखाई दे रहा मतलब इसका यह है कि आगे जाके पोमोग्रेड में भी एक बड़ा प्रॉब्लम बनने के भी चांसेस है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट एक ग्राफ आप देख सकते हो ये जब मृग बहार में 25 से 30 परसेंट तक पोमोग्रेड फ्रूट का डैमेज हमने रिकॉर्ड किया है लेकिन इसका इंसिडेंस अगर आप देखें तो अगस्त में इसका शुरुआत हो जाता है सितंबर में बढ़ेगा अक्टूबर नवंबर नवंबर में इसका ज्यादा पीक रहेगा दिसंबर और जैसे जैसे जाते जाते इसका इंसिडेंस कम होते जाएगा क्योंकि अगस्त में जब बारिश होने होने शुरू हो जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर तक ज्यादा बारिश रहेगा और जब ज्यादा ये जो फूल फ्लावर के जो पौधे हो, होते हैं वो ज्यादा होने लगेंगे उस वजह से ये चिट्ठी क्या करती है उसके ऊपर विजिट करेगी बाद में ये उमर में आके अपना अंडे देने शुरू करेगी आपने ऐसा सिचुएशन बहुत सारे देखे होंगे फार्मर के फील्ड में ये ये सिचुएशन बहुत चीज़ों के वजह से हो जाता है कभी कभी मार्केट में प्रेस ना होने की वजह से या कभी कभी दूसरा चीज़ से कोमोग्रेड फूड डैमेज हो गया जैसा कि बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से हो गया या अदर चीज़ से इन्फेक्टेड हो गया या कोमोग्रेट फूड बोरर की वजह से भी डैमेज हो गया तो क्या करते हैं लोग उसको लेके जाके वो आर्चर्ड के अगल बगल में कहीं फेंक देते हैं फेंक देने के बाद और वो नए क्रॉप लेने के लिए शुरू कर देते हैं या आपके अगल बगल में कोई भी शिकारी है वो अगर वो क्रॉप लेने के लिए शुरू करेगा तो क्या होता है ये इसमें जो चिट्टी है इसमें जो कोष व्यवस्था में जो चिट्टी है वो निकल के भारी मात्रा में विमर्श होके आ जाएंगे और वो बहुत सारे अंडे देने लगेंगे अपने नया जो क्रॉप हम ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है नए क्रॉप में भी ज्यादा इंसिडेंस आने का चांसेस रहता है और हमारा नया क्रॉप भी ज़्यादा इन्वेस्ट होने का चांसेस रहता है इसलिए हमेशा अपने आर्चार्ड को स्वस्थ और ये वीड फ्री रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीड जो है मतलब जो ये फ्लावरिंग जो वीड है ये क्या करती है चिट्ठी के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है उसका पोलन के लिए फीडिंग के लिए कुछ दिन के बाद वो पोमोग्रट के अंदर एग ले करने लगेंगे इसलिए जब जिसका प्रोनिंग होता है या हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको पूरा वो जो कचरा है या वीड है उसको निकाल के आर्चर्ड को थोड़ा स्वस्थ और क्लीन क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है क्लीन रखेंगे तो इसमें बहुत सारे सिर्फ कीड़ नहीं है डिसीजेस भी बहुत कम रहेंगे और पौधे भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम कैसा करें क्या क्या करना है हमको पहले तो ये देखना है कि इसमें अंडे आ दिखाई दे रहा है तो उसी वक्त हमको क्या करना है एक स्प्रे लेना है नीम ऑयल से नीम ऑयल मतलब ये दस हजार पी वाला नीम ऑयल आता है वन परसेंट बोलते हैं उसको इसका तीन एम पर लीटर के हिसाब से एक स्प्रे लेना है जब फ्लावर बर्ड इनिशिएशन हो रहा है या जस्ट फ्लावर इनिशिएशन होने लगेंगे उस टाइम पे या आप नीम सीड एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हो जैसे कि नीम का जो बीज होता है उसको क्या कर दीजिए थोड़ा क्रश कर दीजिए क्रश करके भिगा के रख दीजिए एक रात पूरा रखने के बाद इसको क्या कर दीजिए इसको निचड़ के 50 ग्राम या 50 एम पर लीटर के हिसाब से इसको हाफ फ्लावरिंग के टाइम पे स्प्रे कर दीजिए और दूसरा चीज होता है जो फ्रूट डैमेज हो चुके हैं उसको कलेक्ट करके हमको सही तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना है मतलब एक गड़े मतलब गड़ा करके उसमें वो फ्रूट को हमको डाल के प्रॉपरली डिस्पोज करना है जब फ्लावर ओपन हो गया है तो ये क्वेश्चन आता है हमको मधुमाशी को बचाना है मित्र कीड़ को भी बचाना है और हमको ये कीड़ को भी कंट्रोल करना है उस वक्त कौन सा औषध का इस्तेमाल हमको करना है ये क्वेश्चन आता है ये हमने लास्ट दो सीजन में एक नया इंसेक्टिसाइड का इवोल्यूशन किया है ये मतलब ये ग्रीन इंसेक्टिसाइड के लेवल में आते हैं इसका नाम है स्पाइनोटरम 12% परसेंट एस इसका पॉइंट सेवन फाइव टू वन एम पर लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं जब फ्लावर ओपन होता है या स्पेनोसाइड पॉइंट फाइव एम के हिसाब से या थ्री एम एल पर लीटर के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा एक आता है कीड़ को कीड़ के कीड़ से ही कंट्रोल करना मतलब रिलीज ऑफ ट्राइकोग्रामा किलोनिस पर वीक वीकली इंटरवल या दस दिन के इंटरवल में ये इसको ये क्या है ये जो कार्ड दिखाई दे रहा होगा आपको ये ये कार्ड के अंदर कम से कम बीस हजार किलोनिस के अंडे रहते हैं उस अंडे में अडल्ट बन चुका रहता है ये कार्ड कैसे यूज करना है और ये कहाँ से मिलता है और ये यूज करने से बहुत सारे कीड़ का भी नियंत्रण होता है ये कार्ड को क्या करना है छोटे छोटे करना है ऐसा टेयर करना है मतलब फाड़ना है इसको छोटे छोटे करके ये जो पौधा है पौधे का जो नीचे का पोर्शन है वहां पे इसको हाँ इसको बांधना है बांध कैसे बांधना है इसको डायरेक्टली सूरज को नहीं फोकस करना है ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको उल्टा करके इसको झाड़ के बीच में लगाना है लगाने के बाद क्या करेगा इससे जो कीड़ निकल आएगा ये क्या करेगा ये जो फूड बोरर का जो एग है उसके एग के अंदर अपना एग रखेगा या उसके अंदर ओपोजिट वो, वो करेगा। इस वजह से क्या होता है जो हानिकारक कीड़ है वो इमर्ज नहीं होगा इस वजह से हमारा क्रॉप सुरक्षित रहेगा और ये कार्ड्स आपको मिलते हैं साठ रुपए में एक कार्ड फार्मर को आप अगर पहले ही पैसा दे के बुक करेंगे आपको चाहिए कि इस हफ्ते में इस कार्ड को भेज दीजिए तो वो क्या करेंगे उस हिसाब से आपको कार्ड्स भेजने लगेंगे और उसको जस्ट आपको लगाना है छोटे छोटे पीस करके ये मिलता है आपको नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स ये बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको ये कार्ड्स मिलेंगे ये मैं नंबर शेयर करता हूँ आपको जो जहाँ से ये कार्ड मिलते हैं आप उनको कांटेक्ट करके ये कार्ड आराम से ले सकते हैं उसके बाद आता है स्टेम बोरर मतलब चनछेदक ये चन छेदक का जीवन चक्र हर साल में एक बार होता है अगर आप देखें यहाँ पे आपको दिखाई देता है नौ से दस महीना ये जो है या ये जो यंग स्टेज है इसका नाइन से दस महीना रहता है मतलब पौधे के अंदर ही इसका जीवन चक्र दस नाइन से दस महीना तक चलता है उसके बाद आप देखा होगा भी जब पहला बारिश होता है अभी रिसेंटली अभी बारिश हो गया है लास्ट महीने में अभी तो बारिश होने के बाद ये अडल्ट बीटल्स एमर्स हो जाएंगे ये अडल्ट बीटल एमर्स होते ही ये क्या करेंगे जो नए पौधे हैं यंग पौधे हैं एक साल या डेढ़ साल के पौधे हैं उसका जो पोशन है उसके ऊपर का जो छिलका है वो छिलके के ऊपर डैमेज करेंगे छिलका देखिए आप इधर पूरा छिलका उसने पूरा कंप्लीटली खा लिया है इसके बाद वो क्या करेगा अपने अंडे ले करेंगे जो अच्छा ग्रोथ हुआ है स्टेम है या दो ढाई साल का तीन साल का पौधा है उसके ऊपर वो अंडे देने लगेंगे और आप देख सकते हैं पे ये पूरा उसका छिलका खा लिया है खाने के बाद थोड़ा सा जोर से हवा आ गया तो ये पौधे टूट के सूखने लगेंगे देखिए उसके बाद इसने क्या किया है इसके ऊपर अंडे रख दिया है अंडे से जो उसका कीड़ आया है वो कीड़ उसके अंदर डैमेज करेगा डैमेज करने के बाद आप ये यहाँ पे नीचे देख सकते हैं उसका वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीट मटेरियल उसका नीचे आपको दिखाई दे रहा है यह है ग्रब ये स्टेज क्या करे अंडे से ये निकल आएगा ये इसके अंदर डैमेज करेगा डैमेज करने के बाद ये उसका अंदर का जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है या फूड कंडक्टिंग टिश्यू है अंदर का पोर्शन सॉफ्ट फूड है उसके ऊपर डैमेज करेगा आप देख सकते हैं इसके डैमेज के बाद नीचे से आपको जब लकड़ी काटते हैं तो ये जो डस्टी मटेरियल गिरता है ऐसा मटेरियल आपको देखिए नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा इसके मैनेजमेंट कैसे करना है क्या हमको ध्यान में रखना है जब पहला बारिश होता है तो हमारा बगीचे में एक बार देखना चाहिए ऐसा बीटल कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या मतलब जो झड़ होता है उसके अः है या अंदर में आपको एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए ऑब्जर्व करने के बाद अगर ऐसा बीटल दिखते हैं तो इसको आप आराम से या हाथ को आप, आपको नया है तो क्या है हाथ को थोड़ा प्लास्टिक बंद के या ग्लोव डाल के इसको कलेक्ट करके एक डब्बे में थोड़ा ये कैरोसिन ऑयल लीजिए या कोई भी इंसेक्टिस एम एल डाल लीजिए एक लीटर पानी में और इसको उसके अंदर डुबा के मार सकते हैं और जब ये कीड़ा आता है लेकिन उसका अंडा हमारे आ, पौधे में नहीं होना चाहिए या अंडर देगा तो भी उसका इफेक्ट हमारे क्रॉप में नहीं होना है तो हमको ये प्रैक्टिस फॉलो करना है एक तो होता है पेस्टिंग ये है रेड रेड पेस्टिंग ये है बोडो बेस्ड पेस्टिंग आप दोनों में से कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको करने का तरीका क्या है ये जो नीचे का जो फ्री एरिया होता है दो से ढाई फीट का एरिया इसको हमको पेस्टिंग करना है पेस्टिंग कब करना है पेस्टिंग साल में दो बार करना है एक क्रॉप लेने से पहले और एक क्रॉप लेने के बाद मतलब हर छ महीने में एक बार हमको एक पेस्टिंग लेना है पेस्टिंग करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है और वो कैसे हम कर सकते हैं फॉर दस लीटर पानी में ओके हमको मिलाना है चार किलो गेरो रेड सॉइल क्लोरोपेरिपास या इमामेक्टिन बेंजोएट बीस एम एल ऑक्सी क्लोराइड पच्चीस ग्राम ये सब मिला के जो दो साल या ढाई साल के पौधे हैं नीचे का दो फीट का जो एरिया है नीचे से उसको हमको पेस्टिंग करना है ओके okay, अगर इसका इंसिडेंस ज्यादा हो गया है तो तब हमको एक ड्रंचिंग करना पड़ेगा एक हिमाक्न एट फाइव परसेंट एजी हम ट्वेंटी फाइव डब्लू जी एट टू टू थ्री ग्राम उसके साथ कार्बन डाइजिम या प्रोपिकोनोजल वन टू टू ग्राम पर लीटर डालना चाहिए अगर उसमें फंगल का इन्फेक्शन आ रहा है तो और इसका पहला होता है एक तो अर्ली डिटेक्शन एंड रिमोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स एंड अप्रूटिंग एंड बर्निंग ऑफ द अफेक्टेड ट्रीज एंड इंडेक्सिंग द होल विद डी तो अभी बंद हो गया है तो उसके जगह हम यूज कर सकते हैं इमोमेक्टिन बेंजो ये है स्टेम्बोर uh, का डैमेज होल पहले तो क्या करना है फर्स्ट वी हैव टू क्लीन द होल इसका जो होल है जो स्टेम बोर का डैमेज होल है इसको हमको पहले इसको क्लीन करना है यूजिंग द बैर आफ्टर क्लीनिंग थोड़ा सा वो बाहर आ जाए तब तक इसको हमको क्या करना है इंजेक्टर लेके इसको हमको फिल करना है फिल करने के बाद हमको क्या करना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है पहले होल को क्लीन कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद क्या कर रहे हैं वही जो मिट्टी गिरा है उसको थोड़ा गीला करके उस होल को हम बंद कर रहे हैं ये बंद करने के बाद हमको क्या करना है जो नीचे गिरा है ना वो खाने के वो, मतलब कीड़ का वेस्ट मटेरियल उसको क्या है करना हटाना है हटाने के बाद हमको 12 से 24 घंटे में एक बार देखना है अगर ऐसा मटेरियल और गिर रहा है उसका जो वेस्ट एक्सक्रेटा गिर रहा है तो समझ लीजिए आपने ट्रीटमेंट सही नहीं किया है अगर नहीं गिर रहा है तो आपने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है और वो कीड़ का कंट्रोल या मैनेजमेंट हो चुका है ओके। इस तरह से ही में और एक कीड़ आता है एक इसको बोलते हैं पिन होल बोरर या शार्ट होल बोरर। इसका साल में दो जीवन चक्र होते हैं पहले वाला एक होता था अभी है, दो इसका जीवन चक्र होता है ये इसका जब नया पौधे में इंफ्रेस्टेशन होता है तो कैसे दिखता है आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखे होंगे तीले जैसे ही यहाँ पे थोड़ा अली आयली दिखने लगता है जहाँ पे इसका डैमेज हो चुका है अली ऐली आपको दिखेगा कुछ दिन के बाद या एक, एक हफ्ते के बाद क्या करेगा ये स्टेम के ऊपर एक वाइट इंफ्रेस्टेशन आएगा ये वाइट इंफ्रेस्टेशन आप थोड़ा कट करके देखेंगे यहाँ पे जो इनक्रेस्टेशन आया है मतलब ये फोटो फोकस करके लिया है अगर इस जहाँ पे इंक्रस्टेशन हुआ है व्हाइट ये यहाँ पे कट कर दिए तो आपको ऐसा ये ब्लैक कलर दिखेगा अंदर का क्योंकि इस आ, कीड़ के साथ साथ ये भी एसोसिएटेड होने की वजह से इसमें जल्दी से पौधा मरने लगेगा और उसके अंदर में आपको ये छोटे छोटे आ, पिन साइज के होल भी आपको दिखाई देंगे आप इधर देख रहे हैं इसको कट कर दिए हैं यहाँ पे छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं ये पहले ये जो बीटल है पहला आपको पौधे में आधा पौधा सूखा या आ, पीला पीला दिखने लगेगा कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद आधा पौधा कम्प्लीटली विल्टेड दिखेगा और इसके बाद अगर उसको सही ढंग से सही प्रॉपरली मैनेज नहीं किए तो कम्प्लीटली विल्टिंग या पूरा पूरा पौधा सूख जाएगा क्योंकि इसके साथ साथ बुरसी एसोसिएटेड हुआ है इस वजह से ये मैडम आपको बताएंगे सिरेटोसिस्टिस फेम्ब्रियाटा एक बुरशी है ये मतलब मर रोग काज करता है मर रोग ये बिटल के साथ एसोसिएटेड होने के नाते मत पौधे जल्द से मरने लगेंगे और ये पिन होलो बोरर क्या करता है ये पौधे के अंदर जाके इसका जो वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो है उसके अंदर ये ऐसा स्मॉल क्रिस क्रास डैमेज करने लगेगा इस वजह से इसका जो खाद और पानी ऊपर जाने का रुकावट हो जाएगा या कम मात्रा में जाएगा जिस शूट में इसका डैमेज हुआ है वो शूट आपको सुखापन दिखने लगेगा इसलिए आर्चर्ड को सही तरीके से उसको क्रूनिंग करने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है या जला के या उसको बरी करके इस साल हमको बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं ये शॉटल बोरर का लेके मतलब लोग पूछ रहे हैं सर बहुत सीवियर हो गया है क्या करें उसका कैसा मैनेज करें तो पहले तो एक होता है इसको आने से रोकने का एक होता है स्टेम पेस्टिंग एवरी सिक्स महीने में बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द एक दर लेने से पहले कर दीजिए और एक बाहर लेने के बाद कर दीजिए और ये करने के लिए मिक्स तो सेम होता है स्टेम बोरर के लिए भी और यह शटल बोरर के लिए जो प्रिपरेशन होता है पेस्टिंग का ये सेम होता है अगर इसका शटल बोरर का ज्यादा सीवियर हो गया है तो तब हमको अलग दो तीन तरीके के करना पड़ेगा एक तो है ड्रेंचिंग ड्रेंचिंग करना है इमोमेटिनट एजी आर थायमिथोक्सोन 25g 2 ग्राम प्लस कार्बनडाइजिम आई प्रोपिकोनोजा ओके एक स्टेम स्प्रे भी करने का जरूरत होता है पहले क्या कर दीजिए जो बार कुक उसके ऊपर का जो छिलका है या आ, उसको निकाल दीजिए निकालने के बाद उसके ऊपर में एक थायमिथोक्सोन का एक स्प्रे ले लीजिए और ये बीटल क्या है लेट के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आप लेट आपके पास अवेलेबल है तो ऐसे कोई सोलर इलेक्ट्रॉनिक लाइट रैप या आ, जो भी लाइट रैप है वो लगा देंगे इसको लगाना है सिर्फ आ, जब इसका बारिश के बार, जब इसका आने लगेगा, लगाना है। इसको हमेशा लगा के नहीं रखना है एक तो है टेस्टिंग सेम है के लिए। जब ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग इस तरह से होना चाहिए मतलब इसको सर्कुलर फैशन में करना है और पौधे का जो लास्ट एरिया है शेडेड एरिया है छाव है वहां से ही इसको कवर करके डेंचिंग हमको करना है उसके बाद आता है बारकेटिंग कैटरपिलर ये बार कैटरपिलर क्या करता है ये अपना अंडा देगा यहाँ पे अंडा देने के बाद ये लार्वा इसके अंदर डैमेज करने लगेगा अंदर ये जब अंदर जाएगा तो उसके ऊपर इसके बहुत सारे एक्सकेटर रिपेलेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा अब देख रहे हैं ये लार्वा पूरा उसका अंदर का पोर्शन पूरा खा चुका है और पौधा वो सूखने लगा है ओके okay. <coughs> इसके लिए क्या करना है ये होल को क्लियर करना है वायर बेंडिंग वायर लेके और इस होल को इंजेक्ट कर दीजिए इमामेक्टेन परसन पर एनर्जी टू ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से मिक्स करके और इस होल को प्रॉपरली बंद कर दीजिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन कभी कभी इसका इंसिडेंस अगर मैनेजमेंट सही नहीं या प्रॉपर वॉचिंग नहीं है तो ओल्ड पौधे में इसका ज्यादा इंसिडेंस आने का चांसेस है हाँ भी रिसेंटली लास्ट टू इयर्स से ये हेड स्टेम बोरर का बहुत सारा जगह इसका प्रॉब्लम दिखाई दिया था ये क्या होता है ये स्टेम के ऊपर डैमेज नहीं करेगा ये क्या करेगा जो शूट है शूट के ऊपर ही इसका डैमेज रहेगा और ये क्या है पौधे में कहीं कहीं एक दो ब्रांचेस ऊपर के पीला पीला दिखने लगेंगे और उस ब्रांच को आप सिर्फ हाथ से जर, थोड़ा सा टच करेंगे तो वो टूट के आपके हाथ में आ जाएगा जब टूट के हाथ में आ जाएगा उसको ऐसा फाड़ के आप देखेंगे तो आपको ऐसा लाल वाला लार्वा आपके दिखाई देगा तो ये ये जो जो मैं आ, अडल्ट है ये अडल्ट क्या करते हैं ये इसके ऊपर अगले करेंगे अगले करने के बाद ये लार्वा इसको डैमेज करने लगेगा ओके इसको क्या करना है ऐसा दिखाई दिया तो इसको यहाँ से कट करके इसको डिस्ट्रॉय करना है जला के और एक ड्रेंचिंग करना है इमोमेक्ट्रीनजो जम से और सोलर ट्रैप है आपके पास तो सोलर लाइटर भी यूज करके इसको मैनेज कर सकते हैं अभी आएगा सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट। पेस्ट में पहला तो प्रॉब्लम आता है थ्रिप्स अभी थोड़ा लाइट का लाइट चला गया है तो थोड़ा बंद होने का चांसेस है कोशिश करता हूँ मैं और रिस्टार्ट थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर लाइट सही आया नहीं है तो Okay. ये थ्रिप्स का इंसिडेंस अगर आप देखें तो इसका इंसिडेंस साल भर रहता है हर सीजन में हर क्रॉप सीजन में रहता है और इसका इंसिडेंस आप नर्सरी में भी देख सकते हैं या फील्ड फील्ड में भी इसका इंसिडेंस आप देख सकते हैं इसका जीवन चक्र कैसा होता है और इसका कैसा मैनेज करें ये क्रिटिकल स्टेजेस क्या होता है वो बता देता हूं मैं जब हम प्रूनिंग लिए हैं नया शूट आने लगेंगे तो नया शूट बहुत एकदम सकुलेंट रहता है जूसी रहते हैं तो इसके ऊपर थ्रिप्स ये जो पीला कलर के जो थ्रिप्स है ये क्या करेंगे इसका रस छूस के रस से डैमेज करने लगेंगे डैमेज करेंगे तो लीफ क्या हो जाएगा तो मुड़ने लगेंगे मुड़ेंगे तो इसका फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगा और ये प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा उसके बाद जब फ्लावरिंग के टाइम पे अगर इसका थ्रिप्स का मात्रा बढ़ जाता है तो फ्लावरिंग के ऊपर भी ये डैमेज करेंगे और ये फ्लावर भी होने लगेगा। तो ये से नहीं बनेगा और ये क्या करेगा? इसके अंदर जो फल बनने लगता है उसके भी जाके एक बना देगा मतलब डैमेज करेगा वो डैमेज आगे जाते जाते इसका मात्रा मतलब इसका साइज भी बढ़ने लगेगा बढ़ते बढ़ते इसका फ्रूट का जो ऊपर है ये जो मार्क है ये मार्क की वजह से क्या होता है ये फ्रूट को बी ग्रेड क्वालिटी में या सी ग्रेड क्वालिटी में शार्ट आउट कर जाएगा मतलब ये संख्या में डैमेज नहीं होता है लेकिन इसका क्वालिटेटिव लॉस होने लगेगा मतलब ये यहाँ पे हमको समझना है यहाँ पे सरिप्स का यहाँ से लेकर ये जो फ्लावर से फ्रूट बनने लगेगा या हंड्रेड ग्राम का जो फ्रूट बनने लगेगा ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है ये सिक्सटी डेज का पीरियड जो है ये यहाँ पे सिलिप्स को बहुत सही ढंग से हमको कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना है इस वक्त हमको क्या करना है नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है जब ये न्यू फ्लावर या न्यू फ्लश आने लगता है क्योंकि उस वक्त क्या है ज़्यादा अंडे देने लगते हैं तो उसको हमको नीम ऑयल से इस्तेमाल करना है और इस टाइम पे हमको एक अच्छा सा नया इंसेक्टिसाइड यूज करके इसको पॉपुलेशन को सप्रेस करना है और ये फ्लावरिंग के टाइम पे हमको यूज करना है ये स्पाइनोसाइड या स्पिनोट्रेम का कर इस्तेमाल करना है जब ये फ्रूट बनने लगता है तो तब हमको ये एसेटेमीप्रेडक्लोप्रेड या इसका थायमिताक्षम का इस्तेमाल यहाँ पे हमको करना है मतलब इसका अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रॉपर इंसेक्टिसाइड यूज करके इसको हमको कंट्रोल करना है वाइट फ्लाई ये सिर्फ ये जो ड्राई सीजन होता है अभी अभी आपको देख दिखने के लिए मिलेगा अभी व्हाइट फ्लाई का इंसिडेंस अभी शुरू हो गया है इसका क्या होता है ये फ्लाई सिर्फ पत्ती का नीचे का पोर्शन जो होता है वहां पे ही इसका डैमेज दिखेगा और जाते जाते ही क्या करेगा ये सूटी मोल्ड बनने लगेगा लीफ के ऊपर इस वजह से क्या होता है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होना है वो कम हो जाता है कम होने की वजह से क्या होता है ये सही से फोटोसिंथेसिस ना होगा तो फ्लावर जो फ्रूट बनना है क्वालिटी फ्रूट बनना है वो क्वालिटी फ्रूट नहीं बनेगा या फ्लावर ड्राप फ्रूट ड्राप्स ये होने लगेंगे इस वजह से इसका इंसिडेंस जब पत्ते के नीचे छोटा थोड़ा सा थोड़ा सा वाईड़ वाईड़ दिखने लगता है तभी हमको यह अच्छे से करना चाहिए तो या का भी करेंगे, तीन के हिसाब से तो ये आराम से कंट्रोल कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में और इसके लिए हम ये येलो स्टिकी के ट्रैप्स भी यूज कर सकते हैं ये 25 से 30 ट्रैप्स पर हेक्टर यूज करना है उसके बाद एफिड्स एफिड्स ये विंटर सीजन की क्रॉप को ज्यादा इंफेस्टेशन करते हैं जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी का ये जो ये टेंडर शूट्स हैं या फ्लावर बर्ड या फ्लावर या उसके ये उसके ऊपर ये रस चूस के डैमेज करने लगेंगे जैसे ये रस चूसने लगेंगे लीफ और फ्लावर बर्ड क्या हो जाएंगे क्रिंकल हो जाएंगे शेप कर्ल हो जाएगा कर्ल होने की वजह से इसमें प्रॉपर शेप या प्रॉपर साइज ग्रोथ नहीं होगा फ्रूट का इस वजह से इसमें डैमेज होने का चांसेस रहता है क्वालिटीेटिव लॉस इस वजह से इसके लिए क्या करना है एक तो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए 22 25 ट्रैप्स पर हेक्टर लगा दीजिए zigzag पैटर्न में जब इसका इंसिडेंस शुरू होने से पहले और ये जो इंसेक्टिसाइड एनलिस्ट किए हैं ये इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये फिड को मैनेज करने के लिए दूसरा इधर एक जो मैं दो नीचे कीड़ दिखा दे रहा हूँ बहुत सारे लोग हमको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं सर ये कीड़ आ रहा है इसका क्या मैनेजमेंट है ये है मित्र कीड़ है ओके जब ये मित्र कीड़ का संख्या ज्यादा होता है तो हमको कम से कम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है इसीलिए हमेशा जो भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उसको हमको शाम के टाइम पे करना बहुत जरूरी होता है हमका हमारा जो मित्र कीड़ है हमारे बगीचे में उसको हम बचा सकते हैं और हमारे ये बहुत सारे कीड़ को खा लेते हैं इस वजह से ऑटोमेटिकली नेचुरली पॉपुलेशन सप्रेस कर देते हैं वो इसलिए हमको इसको बचा के रखना है आप देख सकते हैं आपके बगीचे में ऐसे अलग अलग रंग के ये बहुत सारे मित्र कीड़ आपके बगीचे में दिखने लगेंगे ये है आपके मित्र कीड़ जब इसका संख्या ज्यादा दिखता है ये जो औषध का इस्तेमाल करते हैं कोई सभी और शाम के टाइम पे करना चाहिए इसका इंसिडेंस आपको ज्यादा दिखाई देगा फेब्रुवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के टाइम पे उस टाइम पे थोड़ा इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल शाम के टाइम पे करना जरूरी है उसके बाद आता है मिलीबग मिलीबग में क्या है इनिशियल स्टेज में होता है तो ये आसान से कंट्रोल होता है लेकिन जैसे जैसे इसकी आ, आ, मतलब आ, स्टेज बढ़ने लगेगी या इसका इनकेस्टेशन बनेगा तो मतलब क्या होता है इसमें एक गमी मटेरियल मटीरियल होने लगेगा स्टिकी मटेरियल वो स्टिकी मटेरियल इतना आसान से डिजोल्व नहीं होता है इस वजह से क्या होता है हमको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने का जरूरत होता है अगर आप इस स्टेज में इनिशियल स्टेज में अगर अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है उसके लिए एक अलीका है ये प्लस का एक कॉम्बी प्रोडक्ट है ये भी यूज कर सकते हो या बुफ्रोफ्रेजिन का भी इस्तेमाल करके इसको इनिशियल स्टेज में अगर आप स्प्रे करेंगे एक दो स्प्रे में आसान से ये कंट्रोल होता है दूसरा चीज है होमोग्रेड के साथ साथ ये जो कुछ क्रॉप्स है मालवीसी सोलनेशियस क्रॉप जैसे कि पोटैटो टोमेटो या ब्रिंजॉल चिल्ली ये कॉटन ये क्रॉप्स ये पोमोग्रेड के साथ साथ कल्टीवेट नहीं करना है ओके ये है ये भी मित्र कीड़ है ये मित्र कीड़ का संख्या ज्यादा दिखाई दिया तो कृपया करके इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल शाम के टाइम पे कर दीजिए ये स्टेज पे बहुत मुश्किल होता है देखिए ये ये पूरा गम जैसा बन चुका है हाँ, आप ये इस टाइम पे कंट्रोल करेंगे तो भी ऑलरेडी वो डैमेज हो चुका है वो कंट्रोल करने के बावजूद भी उसका कोई फायदा नहीं है उसके बाद माइट जैसा मैं माइट का बता रहा था तो ये माइट और थ्रिप्स में बहुत कंफ्यूजन होने लगेंगे लोगों को ये माइट है या थ्रिप्स है है ना जब पत्ती का तो मुडे है मुड़े जो पत्ती है उसको क्या कर दीजिए अपने दोनों फिंगर में लेके ना थोड़ा स्लाइटली ऐसा प्रेस कर दीजिए प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा आपका टिप लाल लाल होने लगेगा मतलब पत्ती जो ऊपर का जो ब्राउनिश कलर देखने लगेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि ये माइट का डैमेज है ओके आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी ये है नीचे का जो पोर्स आप देख रहे हैं ब्राउनिश कलर हो चुका है ये जब माइट का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगेगा ये समर सीजन में जब समर सीजन होता है तो फ्रूट का ऐसा Uh, कार ग्रोथ होगा या इसका जो कैलिक्स रीजन होता है वहाँ पे इसका ज्यादा डैमेज होगा ये जो uh, साइड है माइट के लिए साइड ही यूज करना है अगर आप इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे ये माइट को कंट्रोल नहीं होगा ये ध्यान में रखिए इसके लिए अच्छा माइटिसाइड है क्वीन है फेन फ्रॉक्सीमेट है फजोलान है ओके अबामेक्टीन है ये माइटिसड बहुत इसके लिए अच्छे काम करते हैं अभी बा, बायर का भी एक है स्पायरोन वो भी यूज कर सकते हैं इसके लिए ये कुछ क्रॉप है इसके पोमोग्रेट में इसका कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए उसके बाद पोमोग्रेट का रस चूसी पतंग ये रस चूसी पतंग का ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए ये रस चूसी पतंग का इंसिडेंस शुरू होता है अगस्त महीने में अगस्त फर्स्ट वीक या अगस्त सेकंड वीक से इसका इंसिडेंस आने लगता है और इसका इंसिडेंस रहेगा रात के टाइम पे रात साढ़े सात से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक इसका ज्यादा एक्टिविटी रहेगा और दो बजे तक भी इसका एक्टिविटी आपको दिखाई देगा खेत में उसके बाद इसका पॉपुलेशन कम होते रहेगा ओके इसका अगस्त से लेकर कहाँ तक रहेगा अक्टूबर तक इसका इंसिडेंस रहेगा मतलब तीन चार जो महीना है उस क्रिटिकल स्टेज में रहेगा उस वक्त हमको सही ढंग से इसका ये सिर्फ पोमोग्रेट में नहीं है पोमोग्रेट के जो जितने भी सिट्रस सिट्रस के फ्रूट है मौसम है ये लेमन है बाकी का दूसरे मौसम भी है ये सब में इसका डैमेज आता है टोमेटो में भी इसका कैसा पता लगा है जैसा कि मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकंड वीक ऑफ अगस्त में चिट्ठी का इंसिडेंस आएगा लेकिन हम कैसा पता करें पहले ये जो आप फ, पहले ऊपर का फल देखिए यहाँ पे मैंने एक एरो मार्क लगाई है वहां पे एक डैमेज रोल है जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे वजह से डैमेज आपको दिखाई देगा कहीं कहीं बीटल की वजह से हुआ है या मतलब कांटे चुभने की वजह से लेकिन जब चिट्टी से डैमेज होता है तो जहां पे होल है होल के नीचे थोड़ा सा एक व्हाइट कलर का इनक्रस्टेशन रहेगा मतलब ये क्या करता है जैसा अंदर घुसाएगा तो उसका जो वेस्ट म, मतलब मटेरियल है फ्रूट का यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा ये इंडिकेट करता है ये फ्रूट सकिंग मात का डैमेज हमारे आरचार में आ रहा है इसके बाद तीन या चार दिन के बाद फ्रूट के अंदर ये ऐसा सड़ापन दिखने लगेगा और सात दिन के बाद पूरा फूल फल सड़ने लगेगा कभी कभी फल जो पकने पके हो फल है तो उसके नीचे से ऐसा रस निकलने लगेगा अब देख सकते हैं एक फ्रूट के ऊपर कम से कम पच्चीस टंक है यहाँ पे ऐसा टंक मारता है ना वो ये टंक बहुत मेल फीमेल दोनों भी अडल्ट इसमें डैमेज करते हैं पोमोग्रेन में बहुत स्पेशल पेस्ट है ये और इसमें तीन आ, तीन प्रभेद के चिट्ठी हैं तीन प्रभेद में ये ये जो पहला है ये थोड़ा साइंटिफिक है आपको जरूरत नहीं है ये ज्यादा डैमेज करता है ओके ये जो उसका जीवन चक्र है ये जीवन चक्र हमारा पोमोग्रेड में ये हमको दिखाई नहीं देगा ये चिट्ठी बहुत दूर से आता है दो से तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर दूर से भी ये चिट्ठी पोमोग्रेड को सर्च करके आ जाएगा ये लार्वे आपको हम हमारे बगीचे में नहीं दिखाई देंगे ये जहाँ पे पानी बहता है या फॉरेस्ट एरिया है हाँ पे इसका जीवन चक्र चलता रहता है ऐसा लार्वे होते हैं उसके बाद जाके ये ऐसा चिट्टी बनने लगेंगे इसका जीवन चक्र चलता है गुलवेल के ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट किए थे तो अलग अलग एक नेटिंग मटेरियल यूज किए थे या कवर बैग्स यूज किए थे एक तो है न्यूज बैग यूज किए थे ग्रेनेट यूज किए थे एक कंट्रोल रखे थे और एक बटर पेपर ये पाली बैग्स मसलिन क्लाथ ब्राउन पेपर बैग लेकिन हम जब सिर्फ पेस्ट के कंट्रोल ही नहीं है उसके अलावा क्वालिटेटिव ट्रायल्स भी अगर हम देखें तो इसमें अच्छा आ रहा है बटर पेपर बैग और नॉन बैग्स आप देख सकते हैं पे यूज किए थे थोड़ा इसका आ, संस आ रहा है ब्राउन पेपर यूज किए हैं तो थोड़ा कलर में प्रॉब्लम आ रहा है न्यूज पेपर हुआ है तो थोड़ा मेच्योरिटी में प्रॉब्लम आ रहा है ग्रीन नेट में भी सनस्कॉल्डिंग आ रहा है कंट्रोल में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन ये दोनों में ज्यादा सनस्कार भी नहीं है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा आ रहा है और ये अगेनेस्ट फ्रूट सकिंग मात के डैमेज को भी रोक रहा है फ्रूट सकिंग मात ही नहीं है फ्रूट बोरर के डैमेज को भी ये रोक रहे हैं देखिए ये है बैगड फ्रूट है बैगड फ्रूट को हमने जब हार्वेस्ट किया इसका कलर देखिए और ये जो बैगिंग नहीं किए हैं इसका कलर थोड़ा डल है और जो बैगिंग नहीं किए हैं और डैमेज हो गए ये फ्रूट सकिंग मात की वजह से ओके इसके कंट्रोल के लिए हमको क्या क्या करना है पहले तो जो फ्रूट डैमेज हो चुका है और नीचे गिर चुका है ना उसको हमको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करके बाहर में रखना है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द द यूजिंग टॉर्च इन नाइट मतलब अगर आपका बगीचा छोटा है तो आप ये कर सकते हैं कि चिट्टी को मार के पकड़ के भी मार सकते हैं लिव द डैमेज फ्रूट ऑन द ट्री अगर फल में डैमेज हो चुका है लेकिन वो पौधे के ऊपर है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए अगर आपको बैगिंग लेने में देर हो रहा है अगर आपने उस फल को निकाल दिया तो वो जाके नया फल के ऊपर डैमेज करने लगेगा डिस्पोज ऑल फॉलन जो नीचे गिरा है फल सड़ने लगा है उसको निकाल के बाहर जाके उसको प्रॉपरली मिट्टी में गाड़ दीजिए जिस डायरेक्शन में आ, हवा घूम रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा जो वेस्ट मटेरियल है या वीड है उसको जला के थोड़ा धुआं बना सकते हैं बैक द फ्रूट विथ ओवन पॉलीप्रोपल बैग्स ये बैग कब करना है? जब फर्स्ट वीक अगस्त में या सेकेंड वीक में आ रहा है तो हमको अगस्त फर्स्ट वीक में इसको हमको बैगिंग करना है बैगिंग करते वक्त का साइज़ मोर हंड्रेड ग्राम होना चाहिए तभी हंड्रेड ग्राम से ऊपर होगा तभी चिट्ठी उसको या जिसमें सुगर कन्वर्शन होने लगेगा वही उसी के ऊपर ही डैमेज करेगा नहीं है तो तब इसको बैगिंग करने की कोई जरूरत नहीं है और क्रूड ऑयल या एमोशन स्प्रे कर सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए एक परसेंट मतलब तीन एम एल पर लीटर ये क्या है टेम्पोरवरी होता है तीन या दो तीन दिन के लिए चिट्ठी नहीं आएगा लेकिन उसके बाद ये रिपीट हो जाए इसलिए बैगिंग अभी तक इसका बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ये बैगिंग ही करना बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका फल उसके साथ कोइनसेड हो रहा है मेच्योरिटी में आ गया फ्रूट अगर सप, अगस्त सितंबर में कुछ लोग ऐसा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरा पौधे का पौधे कवर कर रहे हैं या संस्कार से बचने के लिए ये दोनों डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं कुछ लोग अपने पूरा आर्चर्ड को भी नेटिंग मटेरियल से कंट्रोल आ, मतलब कवर कर दिए हैं उसमें एक भी डैमेज फ्रूट नहीं दिखाई दिया अब देख सकते हैं हाँ हमने एक, एक एक्सपेरिमेंट किए थे जब हंड्रेड परसेंट बैगिंग कर दिए थे एक आर्चर्ड में तो हंड्रेड परसेंट बैगिंग करने की जरूरत नहीं एक दो फ्रूट जो खराब हो चुके हैं टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है उस फल को छोड़ दीजिए वो चिट्ठी क्या करेगा उसके ऊपर डैमेज करेगा बाकी का आपने बैगिंग किया है उसके ऊपर डैमेज नहीं करेगा अगर आप हंड्रेड बैगिंग करेंगे तो वो इतना फोर्स से तो इतना तो डैमेज करने का कोशिश करेगा मतलब एक है ना एक आदमी को खाना ना देंगे उसको और एक कमरे में बंद करके रखेंगे तो इतना तो कोशिश करेगा कि वो कुछ ना तोड़ के वो खाना खाने का कोशिश करेगा इसी हिसाब से वो हंड्रेड परसेंट बैगिंग जरूरत नहीं है हाँ अभी एक इम्पोर्टेंट है निमेटोड मैनेजमेंट इन ने। ये नेमेटोड जो सॉइल हल्का मिट्टी होता है ना हल्का मिट्टी में इसका ज्यादा इंसिडेंस रहता है जैसा कि इनिशियल स्टेज में जब नया प्लांटेशन करते हैं तो तभी है हमको थोड़ा अच्छा सा फील्ड को सैनिटाइजेशन करना है सैनिटाइज करना है और अच्छे सा प्लांटिंग मटेरियल आके हमको लगाना है नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका इंसिडेंस एक बार आ गया तो ये प्रॉब्लम आपको दिक्कत करेगा एक तो है प्लांटिंग सर्टिफाइड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन मतलब सर्टिफाइड नर्सरी से प्लांटिंग मटेरियल आपको लेना जरूरी है अवेड क्रॉप मतलब ये जो चिल्ली मतलब मिर्च है टमाटर है या बैगन है ऐसे क्रॉप्स को हमारे कोमोग्रेट के साथ साथ नहीं लगाना चाहिए नहीं तो ये जो नेमेटोड का प्रॉब्लम है ये ज्यादा हो जाए इंटरक्रॉप मैरीगोल्ड मतलब गेंदो आप बीच में लगा सकते हैं जब आप भार नहीं ले रहे हैं तो ये कोमोग्रेट के साथ या बीच में गेंदो लगाएंगे या जब शुरू करते हैं आर्चर्ड उससे पहले एक सीजन गेंदू लेंगे तो ये नेमेटोड की समस्या भी कम होती है यूज ऑफ सोडोमोनो फ्लोरसेंस 50 ग्राम पर वाइन मतलब ये सुडोमोनास फ्लोरोसेंस या ट्राइकोडोमा बिरडे या पेसिलोमेसिस लीलेसी एनएस जब खाद डालते हैं उसके साथ-साथ मिला के डालेंगे तो भी ये नेमेटोड के लिए बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है अप्लाई नीम केक 2 टू 3 केजी पर प्लांट एट थ्री मंथ्स इंटरवल ये नीम केक को डालेंगे तो भी इसका नेमेटोड का पॉपुलेशन कम होता है लेकिन अभी अगर हम औषधि की बात करें इतना दिन तक हम यूज कर सकते

तब इसको डालना है एक ड्रिपर के नीचे दस ग्राम मतलब एक पौधे को अगर चार ड्रिपर है तो चालीस एक पौधे के के लिए डालना है है और डाल के इसको पानी शुरू करना है। जब ये डालते हैं तो उसके साथ साथ एक एम एल स्प्रेडर स्टिकर भी डाल दीजिए ये प्रॉपरली डिजोल्व होने के लिए मतलब एक ड्रिपर के नीचे थोड़ा सा पांच से दस सेंटीमीटर कुआं कर दीजिए कुआं करने के बाद दस ग्राम लिमिट्स डाल दीजिए और एक ग्राम या एक एम एल स्प्रेड टीका डाल दीजिए और उसको कवर अप कर दीजिए इमिडिएटली पानी शुरू कर दीजिए ये एक सीजन के का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको का प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आएगा आप आराम से एक सीजन इसका ले सकते हैं ओके okay? हाँ आप देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट ये निमेटोड ये जो बेस्ट स्टेटमेंट है मतलब 40 ग्राम पर लीटर पर पौधे के हिसाब से यहाँ डाले थे और यहाँ पे ये कंट्रोल में रखे थे कंट्रोल में भी मूली आ रहा है लेकिन जैसे मूली आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे कांड बनने लगे हैं यहाँ पे मूली आ रहा है लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल गांठ नहीं है मतलब इसमें पौधे आराम से जो खाद पानी है वो आराम से ले लेगा और फ्लावर फ्ला, फ्रूटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लावर भी हल्का से हो जाएगा फ्रूट भी सही से ढंग से ग्रोथ नहीं हो जाएंगे और वो आगे जाके क्वालिटी फ्रूट भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर नहीं सकते ये इस्तेमाल छह सौ रुपए किलो है तो मेरे से कोशिश करूंगा डीलर के पास ये सप्लाई दे रहे हैं ये पहले होता है सोइल स्वैल सोलराइजेशन मतलब जब पौधे नया लगाते हैं तो पहले ऐसा करना है मतलब राइज बेड करना है बेड को पानी से भिगवाना है उसके ऊपर ये प्लास्टिक मल्च लगाना है लगा के इसको दो तीन महीना टेम्परेचर uh, जब हाई होता है फेब्रुवरी मार्च अप्रैल महीने में इसको छोड़ देना है उसके बाद प्लांटेशन करना है ओके ये आपका पौधे को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा इंटरकल्टिवेशन ये येड का इंफेस्टेशन हुआ है तो ऐसे इसका सिम्टम्स आपको दिखाई देगा हाँ अभी एक इंपॉर्टेंट आ गया ये है फ्रूट फ्लाई का डैमेज इन प्रोमोग्रेंड बहुत सारे लोग बोले भी होंगे प्रोमोग्रेन बहुत हार्ड रिंड फ्रूट है उसके ऊपर में फ्रूट फ्लाई का डैमेज नहीं आता है आपने देखा होगा जब आम फल के ऊपर जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद जब आप आम खाते हैं तो उसके अंदर कीड़ आपको दिखने लगेंगे ओके ऐसा ही कीड़ ये पोमोग्रेड में ये हमारे पास नहीं है ये कुछ फार्मर ने ये फल लेके आए थे सर हम हमारे फल ऐसे होने लगे हैं तो जब हमने इसको काटा और काट के इसको एक डब्बे में डाल के रखा तो उसके अंदर से ये ऐसा हमको पीपा और ये मैगोड्स uh, दिखने लगे कुछ दिन के बाद हमने इमरजेंसी के लिए रखा तो ये येलिस उससे एमर्ज होने लगा तो इसका इंसिडेंस आता है सिर्फ फल एकदम पकने लगेगा अभी जस्ट हार्वेस्टिंग के लिए आएगा ना एक महीना रहेगा ना उस पीरियड पे इसका चांसेस है इंफेस्टेशन होने का और इसका सिम्टम्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जहाँ पे डैमेज करता है तो सेंटर में एक पॉइंट रहता है ये पॉइंट इंडिकेट करता है उसका एक हुआ है और आप कट करके अंदर ऐसा देखेंगे तो आपको मैगोट ऐसा ग्रब्स आपको मै, ये मैगोट है ये उसका प्यूपा है ऐसा आपको अंदर दिखने लगेंगे और इसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है ये इसका ल्यूर और ट्रैप्स ऑलरेडी अवेलेबल है आप ये मैकफिल ट्रैप या बकेट ट्रैप यूज कर सकते हो और इसके साथ करना है मीतल यूजेनाल या कुक, आ, ये दोनों में से कौन सा भी यूज करें बेस्ट है ये यही ट्रैप यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है जो पानी पीने का जो बॉटल होता है ना बॉटल को क्या करने का बीच सेंटर में एक, एक सेंटीमीटर तक कट करने का यहाँ पे कट करके ऊपर में एक छेद करके इसका जो मिथल यूजीनाल का जो ल्यूर आता है उसको क्या करने का ऊपर से एक तागा के नीचे ऐसा छोड़ देने का हैंग करने का जैसे यहाँ पे छोड़ा है और नीचे पानी और थोड़ा औषध मिला के नीचे बॉटल में डाल देने का जो भी मक्खी अट्रैक्ट हो जाती है वो उसके अंदर गिर के मर जाएंगे वो उसके बाद हेरी कैटापिलस ये जनरली ज्यादा डैमेज नहीं होते हैं कभी कभी ये फ्लावर बर्ड के ऊपर या फल के ऊपर भी डैमेज करने लगेंगे इसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके बाद है टर्माइट टर्माइट जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है जैसा राजस्थान का एरिया है आप देख सकते हैं पूरा पौधे के पौधे कवर कर दिया है टर्माइट ने मतलब जहाँ पे राजस्थान एरिया में ये ऐसा सिचुएशन दिखाई दिया था और कभी कभी क्या होता है नीचे का पोर्शंस में थोड़ा ब्लैक कलर का ऐसा इंफ्रेस्टेशन उसके ऊपर बनने लगेगा कुछ तो दिन के बाद पूरा टर्माइट उसके अंदर का पोर्शंस खाने लगेगा और पौधे सूखने लगेंगे तो ये थोड़ा निकाल के इसके ऊपर एक स्प्रे लेना है इमामिकन का या क्लोरोपेरिपास का या नहीं तो एक डंचिंग कर दीजिए तो इसका कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्केल इंसेक्ट ये स्केल इंसेक्ट का समर सीजन में इसका इंसिडेंस आता है अगर ऐसा छोटा छोटा स्केल इंसेक्ट मतलब ये दिखते नहीं है आंखों को मैंने ऐसा ऐसा ये कर दिया है आपको दिखाई दे रहा है नहीं तो इसका कलर इसका कलर सेम है इतना आसान से दिखता नहीं है बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा तब आपको दिखाई देगा अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो एक इमिडियटली इसका स्प्रे कर दीजिए ये आ, आ, गुजरात में इसका इंसिडेंस आया है हाँ एक एक फार्मर का प्रैक्टिकल एग्जाम आया है मैं बताता हूँ एक फार्मर ने क्या किया था पोमोग्रेड को मतलब नेट हाउस में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहा था वो उसने 600 पौधे लगाए थे ये आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर में ये सेड नेट हाउस है ये पूरा उसके अंदर ये पौधे लगाया था उसने फोन किया सर मेरे तीन चार महीने के पौधे हैं और कुछ पौधे सूखने लगेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीला पीला हुआ है और ये पौधा सूख चुका है तो मैंने वो उसको जाके एग्जामिन किया तो उसके जो जड़ है जड़ के नीचे का जो रूट है मुड़ी है मुड़ी के अंदर वो पूरा डैमेज हो चुका था तो उसके और नीचे जाने के बाद हमको ऐसा ये नीचे कीड़ दिखाई दिया ये उसका इनिशियल स्टेज और बड़ा होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा आप देखे होंगे जब बारिश होने के बाद जब रोड पे चलते हैं तो एक बिटल दिखता है आप टच करेंगे तो वो क्लिक क्लिक साउंड करता है उसको बोलते हैं क्लिक बिटल एक क्लिक बिटल की वजह से डैमेज हो चुका था वजह क्या है उन्होंने क्या कर दिया वो गन्ने का जो वेस्ट है मतलब वो डिकम्पोज नहीं हुआ है सड़ा नहीं है लेकिन ऐसा मटेरियल लाके उन्होंने बहुत सारा डाल दिया था इस वजह से ये बिटल का पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गया था बढ़ने की वजह से वो डैमेज करने लगे इसीलिए और ये पूरा कवर कर दिया था स्टेम के नजदीक में हमेशा जो भी आ, मटेरियल डालते हैं वो थोड़ा सड़ा हुआ रहना चाहिए और ये एकदम तन के नजदीक में नहीं डालना चाहिए थोड़ा हट के डालना चाहिए ओके और हमेशा एग्जामिन करता रहना है इसका कोई इंसिडेंस आ रहा है तो इसके लिए ये तो एक होगा ट्रेंचिंग या, या यूज ऑफ सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं तो गोबर के साथ साथ मेटरिजियम चुप का यूज कीजिए एक से दो के जी पर हेक्टर अलॉंग विथ एफ और ऑर्गेनिक ये इसका मैनेजमेंट है थैंक यू